हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कम्बाइंड में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि बिना गुणाखंड के एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि बिना गुणाखंड के आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको लिख दिया जाए 12.15 का एलसीएम ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे आप? अगर जानते हैं कि गुणनखंड करके कैसे करना तो आप कर लेना, लेकिन अगर आप कंपिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बिना गुणनखंड किए मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे ये दिया है, आप अगर गुणनखंड जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बिना गुणनखंड के हम बताएंगे आपको कि इनको कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जैसे लिखा 12.15 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, आप इनको जो 12 और 15 हैं, इनको आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ें, पहले इनको ब्रेक करें अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, अब आज संख्या में करेंगे तो ये होगा 4.3, तो 4 तो होगा नहीं, 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5.3। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है सबसे मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 2 की मैक्सिमम पावर बताइए कितनी है, 2 यानी 4 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, अगर 9 होता तो 9 ले लेते, लेकिन 3 है तो एक बार 3 ले लेंगे। ठीक है, 5 कितनी बार है, एक बार, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 × 5, 5 × 15 = 60, 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो भी आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है, उसको सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करें, उसके बाद देखें कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या, 3 का कितना मान ले सकते हैं, 5 का या जो जो भी है उसका कितना ले सकते हैं, लेकिन इनको जो तोड़ना आपको वो ब्रेक करना है सिर्फ अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करेंगे और आप ऐसे देख लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा जिसका एलसीएम कैसे होगा, जो ये आएगा उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, देखिए अब हम आपको एक टेबल लिखा देंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा कि मतलब कि 2 की मैक्सिमम पावर कैसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती, 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64, 2 की पावर 7 की वैल्यू 128। आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, और नीचे जाएगा 10 तक 20 तक, जितना हो सके उतना याद कर लीजिए। 1 तो 2 1 आवाज संख्या। ठीक है, इसके बाद 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, 3 की पावर 3 की वैल्यू 27, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81, यहाँ तक वैलिड है, और अगर नीचे करना तो आप कर लेना। ठीक है, 2, 3 इसके बाद जो अभाज्य संख्या आती है तो वो आएगी आपकी 5, 5 की पावर 1 = 5, 5 की पावर 2 = 25, 5 की पावर 3 = 125, ऐसे और जहाँ तक वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब 7 आ जाएगा, 7 की पावर 1 = 7, 7 की पावर 2 = 49, 7 की पावर 3 = 243। ठीक, अब इसके बाद जो सह बात जाएगी वो आएगी आपकी 11, आभाज्य संख्या आएगी जो वो आएगी 11, 11 की पावर 1 = 11, 11 की पावर 2 = 121, ऐसे 13
मतलब आपको ये देखना है। अब इसमें देखिए, हमने आपसे कहा कि 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें, तो इसको आपने कैसे ब्रेक किया? 12 को किया 4.3 से, 4.3 का फैक्टर किया, तब आया देखा 4 की 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 4, तो 2.3 ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसमें 15 को 5.3, ये दोनों अभाज्य हैं, ठीक है। तो हमने देखा 2 की मैक्सिमम पावर कितनी ले सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी 2 का 4 मान ले सकते हैं, 3 का 3 अगर 9 होता ये 9 ले लेते हैं तो फिर 3 आ जाता उसी में, ठीक है। 5 एक बार है केवल 5, अगर 25 होता तो 25 ले लेते, ठीक है, तो 5 ले लिया। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 60, ठीक है। अगर आपको ये टेबल अगर आपको याद है तो आप विद इन 2 सेकेंड में आंसर कर लेंगे। देखिए हम आपको एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा, आपने अगर पहले से ये तरीका सीखा तब भी कमेंट करें। अगर आपको ये तरीका सीखने में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 6.12.18 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 6.12.18 अब इनको आप तोड़िए अभाज्य संख्याओं में। देखो 6 को जो ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 2.3, 12 कैसे करेंगे 2 की पावर 2.3, 18 कैसे करेंगे 9.2, टूट गई सब अपने आप में ब्रेक हो गई, ठीक है। अब ये बताइए 2 की मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हैं। देखिए 2 की मैक्सिमम पावर या तो 2 मिल जाए या 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, 16, 32, 64, 128, इसमें बताइए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, केवल ये है क्या है 2 की पावर 2, तो लिख सकते हैं हम 4। 3 की मैक्सिमम पावर बताइए, देखिए 3 के टेबल में आइए, 3 एकम 3 या 9 मिल जाए तो 3 इसी में आ जाएगा, तो देखिए 3 यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, लिख सकते हैं 9 को भी नहीं, ठीक है। तो 3 की पावर 2 को जब हम लिखेंगे 9, यानी 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 9 होगा कि नहीं, देखो 3 की पावर 2 यानी 9, ठीक है। 2.3 से मिलकर सभी बनी है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि नहीं, कि 2.3 जो अभाज्य संख्या हैं इनसे मिलकर ये बनी है, ठीक है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे 4 × 9 तो क्या हो जाएगा 36, जो आपका एलसीएम है एंड फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के हम आपको ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक लेके आते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय जय भारत।